फूलों की बढ़ती डिमांड ने फूलों की खेती की ओर कई किसानों को आकर्षित किया है। ऐसा ही एक फूल है ट्यूबेरोज या रजनीगंधा। आज के इस लेक्चर में ट्यूबेरोज के साइंटिफिक कल्टीवेशन और वेराइटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ट्यूबेरोज, इसका साइंटिफिक नेम है पॉलियंथस ट्यूबेरोसा, फैमिली है एमेरिलिडिएसी। इसका ओरिजिन मेक्सिको से हुआ है। इसका कॉमन नेम है रजनीगंधा इन बंगाली एंड हिंदी, गुले शाबू इन उर्दू, सुगंधराज इन कन्नड़ एंड तमिल। ट्यूबरोज के फ्लावर वाइट कलर के होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार या फिर सेंटेड होते हैं। ट्यूबरोज के फ्लावर्स कंप्लीट स्पाइक के साथ कट फ्लावर की तरह यूज़ किए जाते हैं। कट फ्लावर का मतलब है फ्लावर यूज अलोंग विद स्टेम। ट्यूबरोज के फ्लावर्स को लूज फ्लावर्स यानी कि इंडिविजुअल फ्लोरेट्स को निकाल के हम उसको गार्लेंड्स, ब्रेसलेट्स या फिर हेयर डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ट्यूबरोज के फ्लावर्स सेंटेड होते हैं और इनसे एसेंशियल ऑयल भी निकलता है जिसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और ये जैस्मिन एंड रोज़ ऑयल से ज़्यादा कॉस्टली है। ट्यूबरोज के स्पाइक्स को टेबल डेकोरेशन एंड बुके प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज कल्टीवार्स। कल्टीवार्स में पहला है सिंगल टाइप। इसमें वन रो ऑफ पेटल्स प्रेजेंट होती है और ये वाइट कलर के होते हैं। ये हाईली फ्रेग्रेंट होते हैं, इसलिए इन्हें एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन्हें लूज फ्लावर एज वेल एज कट फ्लावर के लिए भी यूज़ करा जा सकता है। इसमें सीड सेटिंग भी देखी जाती है। इसके एग्जांपल हैं सिंगल टाइप, मैक्सिकन सिंगल एंड कल्याणी सिंगल। अगला है डबल टाइप। डबल टाइप में मोर देन थ्री रो ऑफ पेटल्स प्रेजेंट होती है। क्योंकि इसमें पेटल्स की ज़्यादा रो प्रेजेंट होती है, इसलिए फ्लावर स्लोली ओपन होते हैं। ये फ्लावर वाइट कलर के होते हैं और इसमें कुछ वैरायटीज़ में पिंकिश टिंज इसके टॉप में प्रेजेंट होता है, पिंकिश कलर इसके टॉप में होता है। इसमें सीड सेटिंग नहीं होती है क्योंकि इसके फ्लावर स्लोली ओपन होते हैं, इसलिए इन्हें कट फ्लावर की तरह अलॉन्ग विथ स्पाइक यूज़ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं डबल, पर्ल, कल्याणी डबल। अगले कल्टीवार है स्वर्ण रेखा एंड रजत रेखा। स्वर्ण रेखा और रजत रेखा दोनों ही कल्टीवार्स NBRI से डेवलप हुए हैं और ये म्यूटेशन ब्रीडिंग से डेवलप हुए हैं थ्रू गामा रे म्यूटेशन। इसमें डिफरेंस ये है कि जो स्वर्ण रेखा कल्टीवार है ये डबल कल्टीवार का म्यूटेंट है और रजत रेखा सिंगल कल्टीवार का म्यूटेंट है। इसके अलावा स्वर्ण रेखा कल्टीवार में फ्लोरेट्स वाइट कलर के हैं और डबल होते हैं और इसकी लीव्स में गोल्डन येलो स्ट्रीक्स इसके मार्जिन में प्रेजेंट होती है, जबकि रजत रेखा में फ्लोरेट्स सिंगल टाइप के हैं, ये भी वाइट होते हैं लेकिन इसमें सिल्वर वाइट कलर की स्ट्रीक्स प्रेजेंट होती है मिडल ऑफ द लीव्स में। नेक्स्ट कल्टीवार है श्रृंगार। ये हाइब्रिड है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से डेवलप हुआ है। ये कल्टीवार सिंगल टाइप का है और इसमें मैच्योरिटी में फ्लोरेट्स पिंकिश कलर के हो जाते हैं, स्लाइटली पिंकिश कलर के। इसके बाद है सुवासिनी। ये भी एक हाइब्रिड कल्टीवार है। इसके फ्लावर्स डबल टाइप के होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली रिलीज कल्टीवार्स। इसमें है अर्का निरंतरा, अर्का वैभव एंड अर्का प्रज्वल। ट्यूबरोज के लिए सैंडी लोम और लोमी सॉइल विथ pH 6.5 एंड 7.5 एंड गुड ड्रेनेज फैसिलिटीज़ आइडियल मानी जाती है। इसके अलावा ट्यूबरोज को 8 pH तक की सॉइल में भी ग्रो किया जा सकता है विथ लिटिल मॉडिफिकेशंस। ट्यूबरोज के लिए वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट आइडियल रहता है। इसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है 20 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन स्पाइक की ग्रोथ 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेस्ट होती है। ओपन सनी सिचुएशन ट्यूबरोज की कल्टीवेशन के लिए बेस्ट रहती है। विंटर सीजन में फ्रॉस्ट एंड समर सीजन में टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो ट्यूबरोज की ग्रोथ एज वेल एज प्रोडक्टिविटी दोनों ही रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट इज प्रपोगेशन। ट्यूबरोज का प्रपोगेशन इसमें अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बल्ब या बल्बलेट्स उससे होता है। बल्ब का डायमीटर 2 से 3 सेंटीमीटर आइडियल माना जाता है प्रपोगेशन के लिए।
बल्ब्स को 4 to 5 सेंटीमीटर डीप प्लांट करना चाहिए। इसके अलावा स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर मेंटेन करनी चाहिए। प्लांटिंग के लिए जनरली फ्लैट बेड्स का यूज़ किया जाता है और एक हेक्टेयर के लिए 15 to 20 क्विंटल बल्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज प्लांटिंग टाइम। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में प्लांटिंग मार्च अप्रैल में करी जाती है, ईस्ट इंडिया में फेबररी मार्च में, हिल्स में अप्रैल मई में, साउथ इंडिया में जुलाई अगस्त में एंड बेंगलोर में थ्रू आउट ईयर करी जाती है, लेकिन बेस्ट टाइम अप्रैल मई रहता है। नेक्स्ट इज मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। 3 to 4 टन्स पर हेक्टेयर फार्म यार्ड मैन्योर लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे सॉइल में अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। इसके अलावा 100 से 150 kg नाइट्रोजन, 80 to 100 kg फॉस्फोरस, 75 to 100 kg पोटेशियम पर हेक्टेयर अप्लाई करा जाता है। फुल डोज ऑफ फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एज अ बेसल एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग डाली जाती है। नाइट्रोजन को 3 equal split doses में डिवाइड कर दिया जाता है, पहली प्लांटिंग के टाइम पे, दूसरी 30 डे आफ्टर प्लांटिंग एंड थर्ड 60 डे आफ्टर प्लांटिंग डाली जाती है। नेक्स्ट इज इरीगेशन। समर सीजन में 5 to 7 day इंटरवल पे, विंटर सीजन में 10 to 12 day इंटरवल में और रेनी सीजन में एज पर रेन हमें इरीगेशन करना चाहिए। नेक्स्ट इज वीडिंग। ट्यूबरोज में वीट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और इससे ईल्ड को भी फर्क पड़ता है, इसलिए मैनुअल वीडिंग वंस और ट्वाइस इन अ मंथ करनी चाहिए। इसके अलावा हम हर्बिसाइड्स का भी यूज़ कर सकते हैं वीट कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग प्लांटिंग के 3 से 5 महीने बाद करी जाती है। ट्यूबरोज फ्लावर्स हार्वेस्टिंग के लिए जून से अक्टूबर मंथ में अवेलेबल रहता है। लूज फ्लावर्स एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए फुल मैच्योरिटी पर इंडिविजुअल फ्लोरेट्स को पिक किया जाता है। कट फ्लावर के लिए होल स्पाइक को कट कर दिया जाता है फ्लोरेट्स की फुल मैच्योरिटी से पहले ही। हार्वेस्टिंग मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में ही करनी चाहिए। ट्यूबरोज कल्टिवेशन में 50 kg फ्लोरेट्स पर हेक्टेयर से मिल सकते हैं। इसके अलावा 2 to 4 lakh स्पाइक्स और 10 to 15 टन लूज फ्लावर पर हेक्टेयर मिल सकते हैं। नेक्स्ट इज डिगिंग ऑफ बल्ब्स। फ्लावरिंग ओवर होने के बाद जब लीव्स ड्राई होने लगे और प्लांट की ग्रोथ खत्म होने लगती है तब हम बल्ब्स की डिगिंग करते हैं। इसके लिए इरिगेशन को डिगिंग से कुछ दिनों पहले स्टॉप कर देना चाहिए। बल्ब्स को निकालने के बाद उन्हें क्लीन करा जाता है और उसके बाद उसको साइज के बेसिस में ग्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। बल्ब्स को कूल ड्राई एंड शेडी प्लेस में स्टोर करना चाहिए। डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए 4 to 6 week स्टोरेज प्लांटिंग से पहले जरूरी होता है। नेक्स्ट इज डिजीजेस। इसमें पहला है बॉटराइटिस रॉट और लीफ ब्लाइंड, दूसरा है स्क्लोरेशियल विल्ट, तीसरा है अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट। ये तीनों ही फंगल डिजीज हैं। बॉटराइटिस रॉट बॉटराइटिस एलिप्टिका से होता है, स्क्लोरेशियल विल्ट स्क्लोरेशियम ब्रॉल्सी से होती है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट अल्टरनेरिया पोलेंथी से होता है। ये डिजीज मेनली रेनी सीजन में ज़्यादा देखने को मिलती है। बॉटराइटिस रॉट में ब्राउन स्पॉट स्टार्ट दिखते हैं जबकि अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट में कंसेंट्रिक रिंग्स ब्राउन कलर की दिखने को मिलती है। इनमें तीनों ही डिजीज में प्लांट्स में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और लास्ट में एंड में ड्राइंग होती है और पूरा प्लांट इन्फेक्ट होके पूरा प्लांट डेड हो जाता है। इसमें तीनों ही इन डिजीज को कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड का स्प्रे बेस्ट रहता है। बेवस्टिन और ब्लाइटॉक्स का स्प्रे बेस्ट है। अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट के लिए डाइथेन M45 का भी स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पेस्ट। पेस्ट में पहला है एफिड। एफिड टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं और ये मोस्टली सॉफ्ट ग्रोइंग पार्ट्स को फीड करते हैं जैसे कि बर्ड्स, फ्लावर, न्यू लीव्स और न्यू ग्रोइंग टिप्स को ये अटैक करते हैं। नेक्स्ट है रूट नॉट निमेटोड। ये मेलिक्टोगाइनी इनकॉग्निटा नाम का निमेटोड इसमें अटैक करता है। इसके अटैक से प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट स्टंटेड रहता है और रूट में रॉटिंग होने लगती है। धीरे धीरे पूरा प्लांट ड्राई हो जाता है।
आज के लेक्चर में इतना ही। होप आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर एंड लाइक जितने ज़्यादा होंगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।